कटोरी निकाल के आई। ध्यान से सुनो, अभी इसका ये कॉमा लगा देंगे तो हमें ये सर ये समझ आएगा कि ये 500 ये 6000 वैसे दिया। अभी हम बनाएंगे, सुनो ध्यान से, पहले मेरे को बोलने दो, कॉमा ग्रुप्स। क्या बनाएंगे? कॉमा ग्रुप्स। और कॉमा ग्रुप्स कैसे बनाएंगे हम? पहले हम यहाँ राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट से। सबसे पहला ये जो राइट है ना, ये राइट है, और इसे हम लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो कॉमा ग्रुप्स देखो कैसे बनाएंगे हम। हम पहले 3 digits के बाद कॉमा लगाएंगे, 3 digits के बाद कॉमा, उसके बाद 2 digits के बाद कॉमा, और उसके बाद 2 digits के बाद कॉमा। तो 3 कौन सा है? ये 1, 2, 3, और यहाँ पे हम एक कॉमा लगाएंगे, ठीक है? कहाँ पे कॉमा लगाएंगे? 1, 2, 3 के बाद कॉमा, उस ये लगा दिया मैंने, उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगाना है। तो 1, 2 कॉमा, और इन ग्रुप्स का नाम होगा। अब जब हम इस नंबर को पढ़ेंगे, व्हेन वी विल राइट द नंबर इन वर्ड्स, वी विल रीड इट फ्रॉम द राइट, और इस ग्रुप्स के नाम लिखेंगे। जो ये पहला ग्रुप है, दिस ग्रुप, ये ग्रुप क्या है? ये 3 digits का है। इस ग्रुप का नाम होगा 100 का ग्रुप। उसके बाद ये 2 का ग्रुप है, ये दोनों मिला के जो ग्रुप का नाम है वो है 1000। तो इन दोनों को इकट्ठे पढ़ना है, 60,000। और उसके बाद जो ये वाला ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है लैक। So how will we read? We will read 5 lakh. Then we will read 2 numbers. इन दोनों को इकट्ठे पढ़ना है, 60,000. फिर मैथ के बारे में बता रहा है। ये तीन नंबर नेम, नंबर का नाम क्या होगा, है ना? देखो यहाँ इधर से शुरू होता है डिजिट। अभी ऐसे ये सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले कॉमा ग्रुप्स बनाने, कॉमा ग्रुप्स, और ग्रुप्स यहां से स्टार्ट करने हैं। पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और जब इसको पढ़ेंगे इसको राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ेंगे। पहले ये वाला पढ़ेंगे, गिनती कैसे करेंगे, फिर ये दोनों को इकट्ठे पढ़ना है, फिर इन 3 को इकट्ठे पढ़ना है, और उनको लिखना है। जैसे ये क्या है, 5, इसका ग्रुप का नाम है लैक, सो वी विल राइट इट लाइक दिस। हम इसको लिखेंगे 5, F-I-V-E, 5, फिर ग्रुप का नाम लैक। और क्योंकि 1 से ज्यादा है इसलिए हम इसको S भी लगाएंगे, 5 lakhs। फिर इस ग्रुप को पढ़ेंगे, इस दोनों को इकट्ठे पढ़ना है। 60 क्या होता है? 60। Then we will write 60. फिर ग्रुप का नाम, ग्रुप का नाम तो 1000 है, so we will write 60,000. और उसके बाद लास्ट ग्रुप जो है ये 100 का है, इन तीनों को इकट्ठे पढ़ना है। 500 क्या होता है? 500. कितना बना वर्ड? 5,60,500. ऐसे ही अब मैं एक और नंबर दूंगा, आपको खुद ट्राई करना है। सर अगर हम वर्ड्स में कॉमा लगाकर उनको लिखेंगे हाँ, तो फिर क्या वो हम आसानी से लिख सकते हैं? हाँ फिर आसानी से लिख सकते हैं। लिखा, समझ में आया है क्या है? राइट नंबर नेम, नंबर का नेम मैथ में बता रहा है लिखने। हाँ, तो नंबर नेम नंबर तुमको दिया गया, वेरी गुड। कितना है ये तुमको पता? ये जो मैंने देखो यहां मैंने ये वर्ड्स में लिखा है ना, ऐसे ये वाला 100 हुआ, नंबर नेम 1000 हुआ, लाख हुआ। पीछे से शुरू करते हैं गिनना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना?
अभी मैं एक और, अब मैं देखो एक नंबर देता हूँ, अभी देखो अब मैं एक नया नंबर देता हूँ, अब ये देखो ले लो यहाँ से। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा ग्रुप्स बनाएंगे, ये इजी है, बनाओ कॉमा ग्रुप, जल्दी से बनाओ कॉमा ग्रुप्स। हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। कॉमा कैसे लगाना है, पहले थ्री के बाद कॉमा, फिर टू के बाद कॉमा, तो कहाँ पे कॉमा लगेगा, थ्री के बाद यहाँ पे कॉमा, और उसके बाद टू के बाद यहाँ। तो ये तो पहला स्टेप हुआ, उसके लगा लिया, लगा लिया। उसके बाद ग्रुप का नाम, ये पहला ग्रुप जो है, ये तीन का ग्रुप, ये तो 100 का नाम है इस ग्रुप का, और इन दो का नाम क्या है, 1000 का ग्रुप। अब इसको आपने क्या करना है, राइट नंबर नेम, नंबर नेम, राइट नंबर नेम, तुमको बता रहा है नंबर नेम, नंबर कितना है। तो जब जब आपसे पूछा जाएगा ना, 8674 हाँ, अब लिखो इसको कॉपी में, लिखो नंबर नेम, नंबर नेम भी कहते हैं और नंबर इन वर्ड्स भी कहते हैं, वर्ड्स एंड थ्री डिजिट लेना है, इधर से स्टार्ट करना है फिर इधर तक जाना है, मुझे बेटे आपकी आवाज कट रही है बीच में, क्या बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार फिर से समझा दीजिए, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। वही मैं कह रहा हूँ कि हमें कॉमा ग्रुप्स बनाने, जैसे ये एक ग्रुप बनाया, ये दूसरा ग्रुप बनाया, फिर हमें नंबर पढ़ने में आसानी होती है, फिर हम इस पूरे ग्रुप को पढ़ेंगे। 4 और 8 होता है 48, फिर ग्रुप का नाम 48,000, और इस पूरे ग्रुप को पढ़ेंगे 674, और उसको नेम, नंबर नेम लिखेंगे, तो हम जल्दी से लिखेंगे 48,674। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जब हम ये, जैसे ये मैंने लिखा, जो भी सेंटेंस होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे फर्स्ट लेटर यहाँ क्या है, ये F, ये लेटर जो है ये कैपिटल में लिखना है, F कैपिटल, उसके बाद जितने भी लेटर्स हैं सारे स्मॉल में होने चाहिए, ये T, ये E, ये S, ये F, ये सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे, ओनली फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर हैज टू बी इन कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल में होने चाहिए, कैपिटल में नहीं होने चाहिए। अब मैं एक और वर्ड देता हूं, एक और वर्ड नहीं, एक और नंबर। तो ये देखो, जो ये नंबर है, हाँ, जो ये नंबर है, इसको इट कैसे बनता है, इसको समझो, सुनो सुनो, पहले 100 लेना है, फिर 1000 लेना है, जैसे ये ऐसे नंबर लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं नंबर फिगर, नंबर फिगर, एफ आई जी यू आर ई। और जो ये हमने इंग्लिश में लिखा वर्ड्स में 48 ऐसे करके जो लिखा, उसको बोलते हैं नंबर नेम। इसको क्या बोलेंगे, फिगर, नंबर फिगर, और ऐसे पूरा जो हम इंग्लिश में लिखते हैं वर्ड्स में, उसको बोलेंगे नंबर नेम। तो मैं दोनों तरीके से पूछ सकता हूं आपको, मैं आपको अगर ये लिख के दूंगा तो मैं बोलूंगा राइट नंबर फिगर, तो आपको ये लिखना है, और अगर मैं आपको ये लिखूंगा और बोलूंगा राइट नंबर नेम, तो आपको इंग्लिश में वर्ड्स में लिखना है।
तो दोनों याद रखना है, दिस इज फिगर और द अदर वन इज वर्ड्स. अब मैं एक और नंबर देता हूँ. सर फिगर मेरा समझ नहीं आया. फिगर मतलब जो नंबर में लिखते हैं उसको. अगर सब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ वन. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वन लैक. ये तुमको नंबर देगा. अभी ये मैंने नंबर नेम पहले ही लिख दिया और आपको बोला राइट. उसको लिखने कैसे है? अब मैं बोलूंगा राइट राइट नंबर फिगर. मैं समझ गया. तो ये जो ये वाला है ये तो वर्ड्स है. ये नंबर नेम तो मैंने लिख के दिया और आपको बोला इसका नंबर फिगर लिखो. नंबर फिगर लिखो. हाँ तो आपको नंबर फिगर लिखना है. अब तो वो नेम तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी. अब समझ आया फिगर क्या होता है? यस सर. तो अभी आप इस अभी ये देखो जो मैंने मैंने वर्ड्स में लिखा है इसको फिगर में लिखो. तो यहाँ पे लिखो राइट नंबर फिगर. तो मैं देखना चाहता हूँ सबों को फिगर में लिखो. तो आप जो भी नंबर लिखोगे मैं तो वैसे कुछ भी लिख रहा हूं तो उसको एक बारी कॉमा लगा के चेक करना या इसके साथ चेक करना कि क्या मैं ठीक लिख रहा हूं. मैं समझ में आ गया. हाँ लिखो सब लिखेंगे. लिख दिया ध्रुव. लिखा आपने कॉपी में? लिख रहे हैं. लिख के फिर मैं कॉपी देखना चाहता हूँ सबों की. जल्दी से लिख के मुझे बताओ जी जिसने लिखा है वो. फिर अपना कैमरा जो है कॉपी के ऊपर रखेगा फिर हम उसका कॉपी देख सकते हैं. सर मेरा हो गया. एक नंबर लिखा. किसका हो गया देखते हैं. अब मैंने सवाल को उल्टा कर दिया. मैंने पहले नंबर नेम लिख दिया और आप लोगों को बोला नंबर फिगर लिखो. हाँ ये रिद्धिमा का देखते हैं. थोड़ा सा आगे ले जाओ बेटे कैमरा के. एक मिनट में बढ़ा सकता हूँ. एक मिनट वेरी गुड. रिद्धिमा की कॉपी देख ली मैंने. वेरी गुड. नंबर फिगर लिख. और कोई दिखाएगा? ज्योति आप दिखाओ लिखना. अब अंश दिखाएगा. अंश दिखाओ कॉपी अपनी. नंबर बड़ा कर. हाँ बेटे अंश कॉमा भी लगाओ. कॉमा नहीं लगाया आपने. ग्रुप्स भी बनाओ. जो आपने नंबर फिगर लिखा है उस फिगर के अंदर कॉमा भी होने चाहिए. दिखाओ ये और कौन है इसका नाम. बेटे अपना नाम भी लिखो. Redmi 9A जिसने लिखा है का नाम क्या है? बता रहा
अब ठीक है अंश, वेरी गुड। ध्रुव आप भी लिखो, ज्योति आप दिखाओ कॉपी, शाबाश। मैं दूसरे स्क्रीन पे देख रहा हूँ ना, मेरे पास दो दो स्क्रीन है, मैं यहाँ देख रहा हूँ आपकी कॉपी। शाबाश ज्योति, अपनी कॉपी दिखाओ कैमरा के आगे ऐसे करके। ध्रुव हो गया, ध्रुव दिखाओ कॉपी। हाँ दिखाओ, शाबाश। नहीं कॉपी के ऊपर रखो ना कैमरा, तभी तो मुझे दिखाई देगा। आदर्श हुआ नहीं तुम्हारा सर, बस इसका आंसर ही लिखो। हाँ तो जल्दी जल्दी लिखो आंसर। हाँ तो आंसर क्या है, अब हम आंसर लिखते हैं। आंसर है, अब मैं रेड कलर में लिखता हूँ। देखो अगर जैसे ये है, मान लो आप अगर आपने कुछ भी लिखा है, समझो आपने ये लिखा है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वापस पहले कॉमास लगाएंगे, तीन के बाद कॉमा, फिर दो के बाद कॉमा, कैसे बनाना दो के बाद। तो ये तो ये वाला तो खाली है, इसको इसको बेशक ना, या अगर हम इसको ना भी लिखें कोई बात नहीं है, तो ठीक है। ये क्या है नंबर 1 lakh, अब इसको अब इसको चेक करेंगे, ये वन, ये ग्रुप है 100 का, ये ग्रुप है 1000 का, ये ग्रुप है लाख का। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे, 1000 आंसर लिखोगे, आंसर में आप कॉमा भी लगाना। 1 lakh ठीक है, आपकी दिख रहा है कॉपी। इस स्टूडेंट का क्या नाम है जिसने Redmi 9A लिखा है, अपना नाम बताओ बेटे। तो पेंसिल से लिख रही है बेटे, नाम बताओ अपना, नाम भी नहीं बता रही है, अपना नाम बताओ। हाँ 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 आप ही जो आप देख रहे हो, आपके भैया है साथ में। हम नहीं, नहीं नाम बताओ ना, नाम Redmi 9A, मेरे को तो Redmi 9A ही दिख रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट एक और नंबर करते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। अब मैं फिगर लिख रहा हूं, अब मैं वर्ड नहीं लिख रहा हूं, अब मैं नंबर फिगर लिख रहा हूं, सॉरी नंबर फिगर लिख रहा हूं, आपको नेम लिखना है। सर ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसका इसका नंबर नेम आपने यहाँ नीचे लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पीछे है 100 नंबर, तीन हो गया 100 नंबर, एक हो गया 1000 नंबर, इसका भी नंबर नीचे लिखना है। ये दो क्वेश्चन जा रहा है, अब देखिए करेगा जल्दी से। पहले इसका लिखना है, दोनों का लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, राइट नंबर
नेम इसका भी यही है राइट नंबर नेम सबका नंबर नेम लिखना है आपको कोई अगर नंबर नेम कहेगा उसका उसका क्या मीनिंग है राइट नंबर वर्ड्स वर्ड्स में भी आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है और आपको ये भी लिखा जा सकता है राइट इन वर्ड्स उसका मीनिंग सेम है पता अब शाबाश ट्राई करो इसको भी और इसको भी तो सबसे पहले क्या करना सबसे पहले कॉमास लगाना कॉमा ग्रुप्स बनाना गलती नहीं होगी ये लिखो शाबाश पहले कॉमास लिखो और कॉमा ग्रुप्स बनाओ लिख लिया लिखते जाओ लिखो शाबाश अभी 1 मिनट के बाद जूम कट जाएगा जूम 40 मिनट्स के बाद कट जाता है तो आप लोग फिर से ज्वाइन बेशक ज्वाइन करना या अब यही होमवर्क है इसको इसको अपने कॉपी में फोटो खींच के व्हाट्सएप करना अभी क्लास खत्म होएगा ना आप इसको व्हाट्सएप करना अपने अपनी कॉपी का फोटो खींच के व्हाट्सएप करना मेरे को इस नंबर पे 9996002830 या इस पे करना या जो हमारे ग्रुप का व्हाट्सएप है उस पे भेज देना ओके अभी भी